श्री राम जय राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होत है सुनहु वीर हनुमान। लय लय आसन बैठिए वीर वीर मलखान। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। सीताराम जरत विभीषण राखेऊ दीन्हेऊ राजु अखंड। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव राम रही दीन दिए दस माथ सीताराम। कोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। शिव जी जो संपत्ति रावण को दसों सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सताते हुए दी। आसे प्रभु छाए भजे ही जही आना। सीताराम 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 सीताराम। ते नर पशु बिन पूछे बिसाना। सीताराम 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 सीताराम। निज जन जानी ताहीं अपनावा। सीताराम 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 सीताराम। प्रभु सुभाव कति कुल मन भावा। सीताराम 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 सीताराम। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मानुष दूसरे को भलते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी। सीताराम 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 सीताराम। सर्व रूप सब रहित उदासी। सीताराम 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 सीताराम। बोले बचन नीत प्रतिपालक। सीताराम 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 सीताराम। कारण मनुज धनुज कुल घालक। सीताराम 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 सीताराम। फिर सब कुछ जानने वाले सबके हृदय में बसने वाले सर्व रूप सब रूपों में प्रगट सबके राम रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मानुष बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंका पति वीरा। सीताराम 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 सीताराम। कहीं विध तरिये जलधि गंभीरा। सीताराम 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 सीताराम। संकुल मकर उरग झपे जाती। सीताराम 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 सीताराम। अति अगाध दुष्कर सब भांति। सीताराम 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 सीताराम। हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जात के मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहा लंकेश सुनहु रघुनायक। सीताराम 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 सीताराम। कोटि सिंधु शोषक सब सहायक। सीताराम 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 सीताराम। यद्यपि तदपि नीत असि गाई। सीताराम 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 सीताराम। विनय करिय सागर सन जाई। सीताराम 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 सीताराम। विभीषण ने कहा हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है,
सोख सकता है तथापि नीत ऐसी कही गई है उचित है यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी समुद्र तट पर पहुँचते हैं और उनसे नीत के अनुसार सूरकुल के अनुसार जो है उससे प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं, समुद्र से रास्ता मांगते हैं। प्रभु की कृपा भया वे सब काजू सीताराम 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 जन्मे हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहीं उपाय विचार सीताराम बिनु प्रयास सागर तरही सकल भलु कपि धारी लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। हे प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, ये विचार कर उपाय बतला देंगे तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कही तुमनी के उपाय सीताराम 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 करिए दव जो हो ईसाई सीताराम 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 मंत्र नय लक्ष्मण बन भावा सीताराम 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 जाम बचन सुनय अति दुख पावा सीताराम 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 सीताराम। श्री राम ने कहा हे सखा तुमने अच्छा उपाय बताया यही किया जाए, यदि दयो सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी, श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। सीताराम नाथ दयव कर कवन भरोसा सीताराम 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 सोखिय सिंधु करिय मन रोसा सीताराम 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 काजर मन कहूँ एक आधारा सीताराम 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 दयावे दयावे आलसी पुकारा सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण ने कहा हे नाथ दयो का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह दयो तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है, असली लोग ही दयो दयो पुकारा करते हैं। श्री राम सुनत बिहसी बोले रघुबीरा सीताराम 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 ऐसे ही करब धरहु मन धीरा सीताराम 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 असे कही प्रभु अनुजही समुझाई सीताराम 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 सिंधु समीप गए रघुराई सीताराम 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 सीताराम। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीने सिरुनाई सीताराम 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 बैठे पुनि तट दरभ दसाई सीताराम 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 जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए सीताराम 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 पाछे रावण दूत पठाए सीताराम 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 सीताराम। उन्होंने पहले से नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछा कर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सीताराम प्रभु की कृपा भयवे सब काजू सीताराम 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 जन्मे हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपि देह सीताराम प्रभु गुण हृदय सराही शरणागत परनेह लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा।
कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उसके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, सीताराम 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 सीताराम, अति सप्रेम गा बिसरी दुराऊ, सीताराम 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 सीताराम। रिपु के दूत कपिन तब जानी, सीताराम 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 सीताराम, शकल बांधी कपी से पहियानी, सीताराम 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 सीताराम। त्रिवे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट भेष भूल गया। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांध कर सुग्रीव के पास ले आए। श्री राम कहा सुग्रीव सुनाहु सब बानर, सीताराम 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 सीताराम, अंग भंग करी पठवहु निसतर, सीताराम 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 सीताराम। सुन सुग्रीव बचन कपि धाये, सीताराम 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 सीताराम, बांधी फटक चहु पास फिराए, सीताराम 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 सीताराम। सुग्रीव ने कहा सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग अंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े, दूतों को बांध कर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, सीताराम 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 सीताराम, दिन पुकारत तदपि न त्यागे, सीताराम 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 सीताराम, जो हमारे हरि नाशा काना, सीताराम 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 सीताराम, तेहि को सलादी से कह आना, सीताराम 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 सीताराम। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसला भी श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सभी निकटे बुलाए, सीताराम 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 सीताराम, दया लागी हैं सी तुरत छोड़ाए, सीताराम 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 सीताराम, रामर कर दी जहू यह पाती, सीताराम 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 सीताराम, लक्ष्मण बचन बाँचू कुल घाती, सीताराम 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 सीताराम। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया, उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उसने कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बांचो। हे कुलघाती, लक्ष्मण का संदेश बांच करके अपनी छाती ठंडी करो। हे राक्षस नाथ रावण कुलघाती, प्रभु की कृपा भयव सब काजू, सीताराम 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 सीताराम, जन्मे हमारे सुफल भायाजू, सीताराम 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 सीताराम। कहु मुखागर मूर सने मम संदेश उदार, बजरंगी जय हो बजरंगी की, सीता दे मिलहु न ते आवा काल तुम्हारे, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उद्धार, उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि
सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता, सीताराम 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 सीताराम, चले दूत बरनत गुण गाथा, सीताराम 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 सीताराम। कहत राम जस लंका आए, सीताराम 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 सीताराम, रामन चरण शीश तिन नाये, सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी के कायस कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहासी दशानन पूछी बाता, सीताराम 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 सीताराम, कहती न सुखया पानी कुशलाता, सीताराम 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 सीताराम। तुनी कहू खबर विभीषण केरी, सीताराम 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 सीताराम, जही मृत्यु आई अचिनेरी, सीताराम 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 सीताराम। दसमुख रावण ने हंस कर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, करत राज लंका सत त्यागी, सीताराम 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 सीताराम, होई जय कर कीत अभागी, सीताराम 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 सीताराम। पुनि कहूँ भालु कीस कटकाई, सीताराम 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 सीताराम, कठिन काल प्रेरित चलियाई, सीताराम 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 सीताराम। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है, जिनके जीवन कर रखवारा, सीताराम 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 सीताराम, दयाव मृदुल चित सिंधु विचारा, सीताराम 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 सीताराम। कहू तपसिन कै बात बहोरी, सीताराम 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 सीताराम, अजिन के हृदय त्रास अति मोरी, सीताराम 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 सीताराम। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में भी समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस ने मार कर खा गए होते। फिर उन्हें तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है, प्रभु की कृपा भयव सब काजू, बजरंगी जय हो बजरंगी की, जन्मे हमारे सुफल भायाजू, की भाई भेंटी की फिर गए श्रवण सुजस सुनी मोर, सीताराम आकाशी नरी पुदल तेज बले, बहुत चकित चित तोर लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। श्री राम उसने तेरी भेंट हुईया, वे कानों से मेरा स्वे सुनकर ही लौट गए, शत्रु सेना का तेज और बल बताया क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भाव चक्का सा हो रहा है, नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे, सीताराम 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 सीताराम, मन हूँ कहा क्रोधित जितैसे, सीताराम 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 सीताराम, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, सीताराम 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 सीताराम, जात ही राम तिलक तेही सारा, सीताराम 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 सीताराम।
दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। राम रे दूत हम ही सुन काना, सीताराम 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 सीताराम, कपिन बांध दीने दुख नाना, सीताराम 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 सीताराम। समण नासिका काटे लागे सीताराम 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 सीताराम, राम शपथ दीने हम त्यागे सीताराम 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 सीताराम। हम रावण के दूत हैं, ये कानों में सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। ऊंचे हुनाथ राम कटकाई, सीताराम 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 सीताराम, बदन कोटि शत बरनी न जाई, सीताराम 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 सीताराम। नाना बरन भालू कपिधारी, सीताराम 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 सीताराम, विकटानन विशाल भयकारी, सीताराम 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 सीताराम। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालू और बांदरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। यही पुर दहेउ हत्यव सुत तोरा, सीताराम 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 सीताराम, सकल कपिन महात्यही बल थोरा, सीताराम 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 सीताराम। अमित नाम भट कठिन कराला, सीताराम 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 सीताराम, अमित नांग बल विपुल विशाला, सीताराम 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 सीताराम। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो तुम सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। राम प्रभु की कृपा भयव सब काजू, सीताराम 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 सीताराम, जिनमें हमारे सुफल भायाजू, सीताराम 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 सीताराम। दुविधि मयंक नील नंग अंगद गद विकटाशि, सीताराम अदधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल राशि लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। दुविध मयंग नील नल अंगद गद विकटाश दधि मुख के श्री निसठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। ये कपि सब सुग्रीव समाना, सीताराम 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 सीताराम, इन सम कोटिन घनई को नाना, सीताराम 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 सीताराम। राम कृपाय तुलित बल तिनही, सीताराम 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 सीताराम, तन समान त्रैलोक कहीं गनही, सीताराम 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 सीताराम। ये सब बानर बल के बल में सुग्रीव के समान हैं और उनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत शोकों गिन गिन ही कौन सकता है, श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तुण के समान तुच्छ समझते हैं। श्री राम असमय सुना श्रवण दस कंदर, सीताराम 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 सीताराम,
बाजू में 18 है जूठा पे बंदर, सीताराम 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 सीताराम, नाथ कटक महासो कतिनाही, सीताराम सीताराम बजरंगी सीताराम सीताराम, जो न तुम्ही जीते रन माही, सीताराम 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 सीताराम। हे दशग्रीव, मैंने कानों में ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले बांदरों की सेनापति हैं, 18 पदम तो अकेले बांदरों की सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बांदर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। जय हो बजरंगी की। परम क्रोध मी यही सब हाथा, सीताराम 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 सीताराम, आए सुपै न दे रघुनाथा, सीताराम 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 सीताराम, सो कही सिंधु सहित जिक ब्याला, सीताराम 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 सीताराम, पुरही नन्नत भरी कुधर विशाला, सीताराम 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 सीताराम। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीजते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों रहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर पात देंगे। श्री राम मर्द गर्द मिला वही दस सीता, सीताराम 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 सीताराम, ऐसे ही बचन कहा ही सब ईसा, सीताराम 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 सीताराम, गर जही तर जही सहज यशंका, सीताराम 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 सीताराम, मानहु ग्रसन चाहती हहीं लंका, सीताराम 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 सीताराम। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और झपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। प्रभु की कृपा भयव सब काजू, सीताराम 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 सीताराम, जन्म हमारे सुफल भायाजू, सीताराम 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 सीताराम। सहज सूर्य कपि बालु सब पुन सिर पर प्रभु राम सीताराम, रावण काल कोटि कहूँ जीत सकहीं संग्राम, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, सीताराम 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 सीताराम, शेष सहत सत सकही नगाई, सीताराम 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 सीताराम, सक सर एक सोखी सत सागर, सीताराम 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 सीताराम, तब भ्रातहिं पूछव नयनागर, सीताराम 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 सीताराम। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीत निपुण श्री राम जी ने नीत की रक्षा के लिए अपने भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुने सागर पाही, सीताराम 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 सीताराम, मांगत पंथ कृपा मन माही, सीताराम 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 सीताराम, सुनत बचन बिहसा दस सीसा, सीताराम 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 सीताराम, जो असीमति सहाय कृत कीसा, सीताराम सीताराम सीताराम।
सीताराम सीताराम। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं, उनके मन में कृपा भरी है, इसीलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। राम सहज भीरु कर वचन जड़ाई, सीताराम 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 सागर सन ठानी मचलाई, सीताराम 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 मुंढ मखा का करसी बड़ाई, सीताराम 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 रिपु बल बुद्धि था है मैं पाई, सीताराम 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 सीताराम। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बालहट ठाना है। अरे मूर्ख झूठी बड़ाई क्यों करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था है पाली। सचिव सभी विभीषण जाके सीताराम 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 विजय विभूति कहाँ जग जाता के, सीताराम 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 सीताराम। सुनी खग बचन दूत ऋषि बाड़ी, सीताराम 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 समय विचार पत्रिका काढ़ी, सीताराम 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 सीताराम। जिसके विभीषण जैसा दर्पोक मंत्री हो उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहीं। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूतों का क्रोध बढ़ गया, उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। श्री राम रामानुज दीनी यह पाती, सीताराम 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 नाथ बचाई जुड़ावहु छाती, सीताराम 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 सीताराम। हसी बाम कर लीनी रावण, सीताराम 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 सचिव बोली सठ लागे बचावन, सीताराम 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 सीताराम। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वे मूर्ख उसे बचाने लगा। प्रभु की कृपा भजब सब काजू, सीताराम 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 जनन हमारे सुफल भायाजू, सीताराम 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 सीताराम। बातन मन ही रिझाए सचे जनि घल सिकुल खीत, सीताराम राम विरोध नव बरसी शरण विष्णु अधिकीश, लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। पत्रिका में लिखा था, रे मूर्ख केवल बातों से ही मन को रिझा कर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर, श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। कदिमान अनुजियु प्रभु पद पंकज भ्रंग, सीताराम अहो ही किराम सरानले खल कुल सहित पतंग, खले कुल सहित पतंग लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई भीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमण बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर, सुनत सभय मन मुख मुसुकाई, सीताराम सीताराम सीता।
सीताराम सीताराम। कहत दसानन सबहीं सुनाई सीताराम 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 सीताराम। भूमि परा कर गहते आकाशा सीताराम 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 सीताराम। लघुतापस कर भाग विलासा सीताराम 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 सीताराम। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण बादली लाश करता है, झिंग झांकता है। कह सुख नाथ सत्य सब बानी सीताराम 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 सीताराम। समुझाऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी सीताराम 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 सीताराम। सुनत बचन मम परिहरि क्रोधा सीताराम 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 सीताराम। नाथ राम सन तजहु विरोधा सीताराम 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 सीताराम। सुखदूत ने कहा, हे नाथ अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाव सीताराम 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 सीताराम। यद्यपि अखिले लोक कर राऊ सीताराम 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 सीताराम। मिलत कृपा तुम्हें पर प्रभु करी सीताराम 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 सीताराम। पूरे आप राधना एक उधारी सीताराम 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 सीताराम। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। राम मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक ही अपराध हुए हृदय में नहीं रखेंगे। श्री राम जनक सुता रघुनाथ ही दी जय सीताराम 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 सीताराम। यतना कहा मोर प्रभु की जय सीताराम 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 सीताराम। जब तुही कहा दीन बय दे सीताराम 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 सीताराम। चरण प्रहार की सठते सीताराम 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 सीताराम। जानकी जी से श्री रघुनाथ जी को दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। श्री राम नाई चरण सिर चला सोतहा सीताराम 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 सीताराम। कृपा सिंधु रघुनायक जहां सीताराम 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 सीताराम। करि प्रणाम निज कथा सुनाई सीताराम 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 सीताराम। राम कृपाया अपनी गति पाई सीताराम 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 सीताराम। ये भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। श्री राम ऋषि अगस्त की साप भमानी सीताराम 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 सीताराम। राक्षस भयव रहा मुनि
ज्ञान। सीताराम 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 बंदी राम पद बारही बारा। सीताराम 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 मुनि निज आश्रम कहूँ पग धारा। सीताराम 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 सीताराम। शिव जी कहते हैं हे भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे मुनि अपने आश्रम को चला गया। राम प्रभु की कृपा दयाल सभी काजू। सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल बायाजू। सीताराम 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 विनय न मानती जलधि जड़ गए तीन दिन बीत बजरंगी। जय हो बजरंगी की। अब बोले राम सकोप तबे भय बिनु होई न पीती। भय बिनु होई न पीतू प्रीति लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। वापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। श्री राम चरित मानस की जय। रामायण पुराण की जय। आज की संपूर्ण श्री राम चरित मानस का पाठ जो कि श्री ठाकुर धाम मंदिर पतारी ब्रह्म में चल रहा है वो संपन्न हुआ। अतः सभी श्रोता सम्मानित संत भक्त श्री ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें, आस्था रखें। इसके बाद अपने शुभ स्थान को प्रस्थान करें। अतः कल की कथा सुनने के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कल की कथा में प्रभु श्री राम का लंका में चढ़ाई है, अतः आप समय से पधारे। धन्यवाद। बोलिए श्री ठाकुर जी धाम की जय। वीर हनुमान लय लय आसन बैठिए वीर वीर मलखान। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। तो विनय न मानति जड़ जड़ गए तीन दिन बीत। सीताराम बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। इधर तीन दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आयु। सीताराम 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 सोखौ वरिधि अभी सिखे कृसायनु। सीताराम 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 सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सीताराम 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 सहज कुपन सन सुंदर नीति। सीताराम 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 हे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालू। मूर्ख से विनय कुटिल के साथ प्रीति स्वाभाविक ही कंजू से सुंदर नीति उदारता का उपदेश है। सीताराम ममतारत सन ज्ञान कहानी। सीताराम 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 अति लोभी सन विरति बखानी। सीताराम 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 क्रोधी समकामी हरि कथा। सीताराम 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 ऊसर बीज बहे फल जथा। सीताराम 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 ममता में फंसे हुए मानुष से ज्ञान की कथा अत्यंत लोभी से वैराग का वर्णन क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा इसका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ है।
व्रत जाता है सीताराम। असे कही रघुपति चापी चढ़ावा सीताराम 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 सीताराम। यह मन लक्ष यह मत लक्ष्मण के मन भावा सीताराम 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 सीताराम। संधान प्रभु अभिषिक कराला सीताराम 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 सीताराम। उठी उदधि उरे अंतर ज्वाला सीताराम 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 सीताराम। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय में अंतर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झक गण अकुलाने सीताराम 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 सीताराम। जलते जंतु जल निधे जब जाने सीताराम 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 सीताराम। कनक थार भरी मणि गणाना सीताराम 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 सीताराम। विप्र रूप आयव तजिमाना सीताराम 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 सीताराम। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना। तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान घमंड अहंकार छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। श्री राम पहले कहे अहंकार दिखा दिया था, पहले ना जाना चाहिए तुम्हें प्रभु के समक्ष। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 सीताराम। जिनमें हमारे सुफल भायाजू सीताराम 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 सीताराम। काटे काटे ही पै कदरी फरई कोटि जतन को सींच सीताराम। विनय न मान खगेश सुनु डाँटे ही पै नौनी से लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा सीताराम। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करे करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सभय सिंधु गही प्रभु पद प्रभु के रे सीताराम 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 सीताराम। क्षमहु नाथ सब अव गुण मेरे सीताराम 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 सीताराम। गगन समीर अनल जल धरनी सीताराम 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 सीताराम। इन कई नाथ सहज जर करनी सीताराम 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 सीताराम। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोषों दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से राम ही जड़ है। राम तब प्रेरित माया उपजाए सीताराम 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 सीताराम। सृष्टि हेत सब ग्रंथ निगाए सीताराम 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 सीताराम। प्रभु आय सुजही कहाँ जस आई सीताराम 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 सीताराम। सोचे ही भांति रहे सुख लाई सीताराम 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 सीताराम। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें दृष्टि सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यहाँ यही गाया है, जिस लिए स्वामी की जैसी आज्ञा हो वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भले कीन्ह मोहि सिख दीन्ही सीताराम 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 सीताराम। मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही सीताराम 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 सीताराम।
ढोल गवार सोते पशुनारी सीताराम 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 सकल ताड़ना के अधिकारी सीताराम 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 सीताराम। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। श्याम प्रभु प्रताप मैं जाम सुखाई सीताराम 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 उतरी कटक न मोरी बराई सीताराम 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 सीताराम। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई सीताराम 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 करऊँ तो बेगी जो तुम्हें सुहाई सीताराम 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 सीताराम। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा तेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आप जो आपको जो अच्छा लगे श्राम मैं तुरंत वही करूं। प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जनन हमारी सुफल भयाजू सीताराम 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 सीताराम। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल मुसकाई बजरंगी सीताराम अजहि विधि उतरै कपि कटको तात सुकाऊ पाई लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वे उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दौ भाई सीताराम 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 लड़काई ऋषिया सपाई सीताराम 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 सीताराम। तिनके परस किए गिरी भारे सीताराम 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 तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे सीताराम 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 सीताराम। मैं पुनि उरी धरि प्रभु प्रभु ताई सीताराम 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 करी हौ बल अनुमान सहाई सीताराम 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 सीताराम। यही विधिनाथ पयोधि बधायव सीताराम 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 अजहि यह सुजस लोक केहि गायहु सीताराम 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 सीताराम। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ इस प्रकार समुद्र को बधाइए बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उतरे तटवासी सीताराम 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 हतहु नाथ खल नर अधरासी सीताराम 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 सीताराम। सुनि कृपाल सागर मन पीरा सीताराम 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 अतुर तहि हरि राम नन धीरा सीताराम 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 सीताराम। इस बार से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राष्ट्रीय दुष्ट मानुष का वध कीजिए कृपालु। और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। सीताराम देख राम बल पौरुष भारी सीताराम 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 हर सीतायो निधि भयव सुखारी सीताराम 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 सीताराम।
सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा। सीताराम 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 चरण बंदी पयोधी सिधावा। सीताराम 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 श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दोस्तों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। श्री राम निज भामन गावन अव सिंधु श्री रघुपति यह मत बायु यह चरित कलिमल हर जथामति जैसे तुलसी गायु सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गाना सज सकल ऐसी भरोसी गावहीं सुनहीं संतत सध मना। राम समुद्र आपके घर चला गया। राम समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन तू संसार का अब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्राम प्रभु की कृपा भयव सब काजू सीताराम 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 जन्म हमारे सुफल भा आजू सीताराम 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 सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान सीताराम असादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान लखन सिया राम चंद शंकर हरि उमा। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधना के ही भव सागर को तर जाएंगे। श्राम मास पारायण 24वां विश्राम श्री इति श्री मद्रदास रामचरित मानसे सकल कल कलीसु विध्वंसने पंचामह सोपान समाप्ता पंचम मह सोपान समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह पांचवा सोपान समाप्त हुआ, सुंदर कांड समाप्त हुआ। श्री राम श्याम खष्ट सोपान श्री रामचरित मानस लंका कांड श्री जानकी बल्लभो विराजते श्री गणेशाय नमः। राम कामारि सेव्यं भव भयहरणं कालमते भे सिंहमं योगिन्द्र ज्ञान गम्यम गुणनिधि मंजिता निर्गुणो निर्विकारम मायातीतं सुरेशं खलबद निरंतरं ब्रह्मो वंदे देवं वंदे कंदावदातं सरसिज नयनं देवमुदेवमुबीसरूपं कामदेव के शत्रु शिव जी के सैव्य भाव जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जानने योग गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के बध में तत्पर ब्रह्मांड ब्रंद के एकमात्र देवता रक्षक जल वाले में समान सुंदर
श्याम कमल से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। आसन बैठा राम संगेंगम भवमती ओम सुंदरंतनम शार्दूलम चंपावरम कालव्यालम करालम भूधरंधरम गंगा शांकरम प्रियम जाम काशी सम कली कल्पे अशोक शयनम कल्याण कल्पम दुमम नौमीख्यम गिरजापति गुणनिधम कंदर्पेहम शंकरम। शंखा और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले ब्रह्मचर्य के वस्त्र वाले काल के समान अथवा काले रंग के भयानक सांपों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री राम यो ददाति शांताम शंभुवः कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंडे कृतो सो शंकरम संग तनो तुम्हें। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालती है और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। सीताराम सीताराम सीताराम। यहाँ पर थोड़ा हमारे माननीय मास्टर साहब आ गए हैं इसलिए थोड़ा लंच है, क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय